What's up guys, thank you so much for watching this part sala. I am Arun Tiwari, welcome you all in today's video guys. Aaj ka video jo hai wo Nelson Mandela ki series humne continue kiya hai. Of course, yes, two videos already us chapter ke ja chuke hain. You have given so much of love and support to that video. इस वीडियो को भी उसी उम्मीद के साथ बनाया जा रहा है. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा. नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई एम ऑन YouTube. ओके, सो चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, समरी स्टार्ट करते हैं. मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं, सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन टिल द टाइम, वहां तक हमने एक्सप्लेन किया जहां पर वो नेल्सन मंडेला केम ऑन माइक. वो माइक पर आए and he described the whole history of South Africa, ki kaise the same people who were treating him like an animal, animals se bhi zyada kharab tarike se treat kar rahe the, the same policemen and the same staffs are saluting him. And he also give the credit to all the leaders, sabhi leaders ko credit dete hain, those who are not available, those who let down their life in this freedom struggle. He considered himself as a sum of all those leaders जिन्होंने अपनी जिंदगी गवा के ये दिन दिया है, and he is feeling very sorry, or he was feeling very sorry that he is standing and the other leader, those who let down their life, they are not alive to see these days, that उनका ये sacrifice South Africa के history में या South Africa के इतिहास में इतना अच्छा दिन लेकर आया है और ये दिन देखने के लिए वो सभी leaders available नहीं है. So, हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज से. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टू द स्टोरी. बैक टू योर मोबाइल स्क्रीन गाइस, दैट ऑल दोज लीडर्स ऑन पेज नंबर गिवन, वेयर ऑल द इमेज ऑफ द लीडर ऑन पेज नंबर 20 गिवन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेज नंबर 21, दैट ऑल दीज लीडर्स, दोज हु हैव फाउट विद द करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके जैसा वापस अब कोई होने वाला नहीं है. Perhaps it required such depth of operations to create such height of character. इतना जिस तरीके का कैरेक्टर उनका था, those who led down like भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिस तरीके से एकदम यंग एज में उन्होंने देश के लिए जान दी थी, अगर आज के किसी यूथ को ऐसा बोल दिया जाए, of course every person who is having the फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जब देश की बात आएगी तो कोई भी कर देगा. तो उस यंग एज में उन्होंने ये चीजें की थी. वही चीज यहाँ पर भी है कि नेल्सन मंडेला इज डिस्क्राइबिंग लाइक दोज हु लेट डाउन देयर लाइफ, उनके जैसा कैरेक्टर वापस हो पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो चीजें जो उन्होंने की वो बहुत डिफिकल्ट है. इधर आप हैं, इधर आप. It is very difficult to make a person of that character. उस टाइप का, उस कैरेक्टर का पर्सन वापस हो पाना बहुत डिफिकल्ट है, उनके जैसे लोग जो जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को सक्सेसफुल बनाया. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamond. Of course, we all know that South Africa, जो diamond और minerals का hub कहा जाता है. So Nelson Mandela is also saying that कि जो मेरा ये देश है, ये पूरी तरह से diamond और minerals से भरा पड़ा हुआ है. लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो इस country के real gems और diamonds हैं, वो इस country के लोग हैं, who are true, जो सही है एकदम. They are not having any kind of this obsessivity, जो कह सकते हैं कि किसी को चीट कर पाना, ये हमारे लोगों के अंदर नहीं है. दिस इज द रियल जेम, पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका इज द रियल डायमंड कंसीडर किया उन्होंने. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इन लोगों से ही द मीनिंग ऑफ करेज, करेज ना क्या होता है, हाउ टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग इनफ to fight in these kinds of situations, बहुत कुछ सीखा है मैंने इन लोगों से, ये लोग जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी देश के लिए. So now what he says, क्या कहा उन्होंने कि time and again I have seen men and women risk and give their life for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies
the imagination, how people strongly, people of South Africa had fought against these white people, कैसे उन्होंने fight किया है, इतनी उन्होंने मतलब जिल्लत सही, इतना white people ने परेशान किया, फिर भी वो अपने मतलब strength से हिले नहीं, जो उनका will power था, वो इतना strong था कि that इतनी सब कुछ problems झेलने के बाद भी वो strong एकदम खड़े रहे like pillars. I learned that courage was not the absence of fear. Courage is not the absence. अगर तुम्हें डर नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत courageous हो. ये बहुत important line है कि that courage was not the absence of fear. अगर किसी को डर नहीं लगता तो वो बहुत बहादुर होगा, ये जरूरत नहीं है. Courage, that is something different. ये एक अलग ही phenomena है, ठीक है? But the triumph over it. डर पे जीत पाना is actual strength. उसको real power कहते हैं, उसको real courage करते हैं. When you win, when you get rid of your fear, the brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. We have seen this quote, जो ये quote है, ये written so many places that जो brave man होते हैं, brave people are not the one who do not have the fear, but the one who conquer over their fear. जिसको डर नहीं लगता वो बहादुर नहीं होता, बहादुर वो होता है जो अपने डर से जीत पाता है. Not like mountain, डर के आगे जीत है. No one is born hating another person because of the color of his skin. Whether देखो, ये चाहे इंडिया की बात हो, पाकिस्तान की हो, साउथ अफ्रीका हो, या यूएस हो, कहीं की भी बात हो, whenever a child is born, he do not come in this country or he doesn't come in this world carrying this mindset ki I have to discriminate these people in terms of color, in terms of religion. ये बच्चा सीख के नहीं आता, this society teaches him. ये जो हमारी सोसाइटी है ये चीज सिखाती है, ये उसके अंदर इतनी हेट्रेड भर देती है एक कास्ट के लिए या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए. विद मींस गॉड हैज नेवर क्रिएटेड एनीवन विद दिस मच ऑफ हेट्रेड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. मतलब टू हेट समवन, टू डिस्क्रिमिनेट समवन, वी लर्न ऑन दिस प्लेनेट. इस दुनिया में आके हम सीखते हैं कि किसी से दुश्मनी कैसे करनी है, किसी के प्रति कैसे जलन और जो मतलब रॉन्ग फीलिंग्स लानी है, ये हम सीखते हैं इस दुनिया में. तो अगर हम ये रॉन्ग फीलिंग सीख सकते हैं तो वाई नॉट वी कैन लर्न लव. तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है लोगों को. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हर्ट देन इट्स अपोजिट. और उनका मानना है कि लव कम्स मोर नेचुरली देन हैट्रेड. मतलब किसी के प्रति बुरी फीलिंग रखने से ज्यादा नेचुरली किसी के प्रति अच्छी लव की फीलिंग ज्यादा बेटर ह्यूमन कर सकते हैं. दैट इज बिकॉज दैट इज मोर नेचुरल देन हैट्रेड. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन पर्सन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड. जब हमारे ऊपर इतने ज्यादा प्रताड़ना या वी वर डिस्क्रिमिनेटेड, वी वर बीइंग फोर्स्ड बाय द वाइट पीपल इन सच अ बैड वे, उस समय भी वी हैव पीपल दोज हु हैव लाइट हार्टेड. मतलब हर अगर गलत बुरे लोग हैं तो वहां अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है. नेक्स्ट, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ दैट इन दैट परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि man's goodness, हमारी जो अच्छाई है, इसको हवा देके बुझाने की कोशिश किया जा सकता है but इसको पूरी तरह से completely exhaust नहीं किया जा सकता. Which means अच्छाई को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता. You can never end humanity from this planet. ठीक है, hatred से आप कुछ दिन तक उसको cover कर सकते हो, हटा सकते हो, but उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सकते. You will have to feel means accept this that
ह्यूमैनिटी विल बी देयर ऑन दिस प्लैनेट पे रहेगी। कितने पॉजिटिव थॉट्स हैं नेल्सन मंडेला के आप इस लाइन से समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द पेज, पेज के एंड पे आते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। आई वुड लाइक टू मेक यू पीपल ऑल टू फोकस ऑन दिस पैराग्राफ और दिस वर्ड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 99.9% में पूछा जाएगा। इट्स नॉट अबाउट बोर्ड ओनली, स्कूल्स एग्जाम में भी हर जगह ये क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट वाज द ट्विन ऑब्लिगेशन पुट बाय नेल्सन मंडेला। ओके, इस पैराग्राफ पे आते हैं कि इन एवरी मैन्स हैव लाइफ हैव टू ऑब्लिगेशंस, व्हिच आर दे, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट फैमिली, ऑब्लिगेशन फॉर फैमिली, एंड वन ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। यानी एक ऑब्लिगेशन होगा फॉर द नेशन एंड अनदर ऑब्लिगेशन इज फॉर द फैमिली। जो आरोप लगा रहे हैं या जो किसी बोलते हो ना, हमें खुद से रिग्रेट फील होता है, ये अच्छा फील नहीं होता। इफ समवन इज बॉर्न इनटू अ पुअर और मिडिल क्लास और अ पुअर फैमिली, तो उसमें उसकी क्या गलती है, व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ दैट पर्सन। हियर नेल्सन मंडेला इज आल्सो कंसीडरिंग हिमसेल्फ फॉर दैट, Maybe I was born poor. Then what is my mistake? I have born with black color. What is my mistake? इसमें मेरी क्या गलती है? Why I am being denied with my basic necessities of life when I am born in a country which is totally free? These minerals or these natural wealth is equally belonging to me as to other. Then why only few people having access over it, not us? Now see. In a civil and human society, each man is available to fulfill those obligations. सबके पास right है कि वो obligations जो है उसको पूरा करे, according to his own inclinations and ability. Of course, it is always being said, if you are born in a poor family or a middle class family, it's not your mistake. But if you die in the same condition, that is your mistake. You will have to fight for your own self. You have to fight. तुम्हें fight करना है। तो you cannot blame everyone. हर समय आप blame नहीं कर सकते। So सबकी अपनी अपनी abilities हैं and they try to come over these obligations. ये जो regression है इससे निकलने की कोशिश करते हैं कि we will try to work hard so that although we are born in a poor or middle class family, but we will not die as a poor. Similarly, it's not my mistake that I am born with black color. But I will try to recover this कि मैं black color से मतलब मेरा face है तो उससे क्या हुआ, but I will try to make sure that I will also have the same access as other having. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. मेरे color यानी black color, not black color के साथ Nelson Mandela क्या कह रहे हैं कि person like me who is born in a black family in country like South Africa, it is almost impossible to fulfill all these obligations. को पूरा कर पाना बहुत difficult है. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर मेरे जैसा कोई इंसान जो हमारी community का है, अगर try भी करता है, कोशिश भी करता है जो normal life जीने की, तो उसको punishment मिलेगी and he will be isolated. Isolated बहुत common word है आजकल corona की वजह से, being separated from the society. South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. Agar koi aisa karta hai, to he will be forced to live his life away from the family aur uski family ko bhi wo problem jhelni pad sakti hai. But Twilight's existence of society, secrecy and rebellion. मतलब आपको rebellion करार दिया जाएगा कि आप अगर उसके लिए fight कर रहे हो, society के against जा रहे हो, जबकि ये तो real right है. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a
brother, as a father, as a husband. मुझे लगा कि ये तो normal, मतलब everybody is living, and I'm also trying to cope up with my obligations. I'm like living normal family की जैसे मैं भी अपनी earning करूँ, अपनी responsibility as a husband, as a brother, as a father, as a कह सकते हो कि son, सारी अपनी responsibilities पूरी करूँ. ये करने की कोशिश की मैंने in the beginning, but that did not last long. हुआ क्या? Coming to the next paragraph. I was not born with a hunger to be free. मुझे free होने की मतलब मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मैं कहीं बंधा हुआ नहीं था कि मुझे free करना है. I was already born in a free country. ये तो इस society के लोगों ने ऐसा obligations डाल दिया कि if you are born in a black family, so you will be deprived from basic necessities of life. Not with the birth. मतलब मैं जन्म हुआ तो I was born in a free country. So I need not to be free. मुझे free होने की जरूरत ही नहीं है. I was born free. मैं तो जन्म से ही मेरा फ्री कंट्री में हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. फियर टू रन इन द फील्ड नियर माय मदर्स हट. फ्री टू स्विम, सॉरी फियर, फ्री टू रन, माय मिस्टेक. फ्री टू रन मतलब आई डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल, और मुझे मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मतलब यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है. मैं आई कैन स्विम ऑल्सो, मैं दौड़ के अपने फील्ड में भी जा सकता हूँ, अपनी छोटी सी हट में भी आ सकता था मदर्स के पास, मदर के पास. That true village, free to roast millets under the stars and ride the broad back of slow-moving bulls as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe. Because I was born in a tribal group, so my tribe ki jitni bhi rules or regulations the, jab tak main follow karta tha, I was good. But I was not troubled by the laws of man or God. तो अब तक तो मुझे कोई ट्रबल जैसा कुछ दिखा नहीं कि जो ये लॉ बनाया जाना है कि नहीं जाना है. इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. तो जो मुझे अभी तक देख के मिला था कि आई वॉज नॉट नोइंग कि कोई रिस्ट्रिक्शन नाम की भी चीज है, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू माई हार्ट, स्विमिंग कर रहा था, घूम रहा था, बुलेट कार्ड्स पे घूम रहा था, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग लाइक अ नॉर्मल किड. बट दैट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू माई सोसाइटी दैट आई न्यू वेन आई ग्रोन अप. को लगा कि जो मेरा बचपन था that was just an illusion, दिमाग का एक भ्रम था मेरे अंदर कि I am given everything. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मतलब मैं फ्री तो हुआ ही नहीं कभी, that was my illusion that I am born with a free country and my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब मुझे वो find out करना पड़ेगा अपने लिए. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potentials. मतलब हर जगह, every place, I have to fight, I have to struggle to achieve, which is normal for other. जो दूसरों के लिए normal था, मुझे उसके लिए भी struggle करना पड़ता था. My potentials of earning my keep, means I, if I want to work and I want to survive or I want to earn for my family, that was a big task of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, sirf main akela hi aisa nahi tha, but my brothers, sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like me. That is when I joined the African National Congress. मतलब पहले तो मुझे लगा कि कुछ है ही नहीं, normal है. बड़ा हुआ तो लगा ये तो illusion था मेरा. बहुत सारी means I have to struggle for each and everything for which people are living like normally. जो लोगों को normally मिल रही है, like working, earning for family, ये सब बहुत common है लोगों के लिए. But for me, it's not like common है. और जैसे जैसे धीरे बड़े हुए तो बड़े होते गए तो उनको लगा दिस इज नॉट ओनली मी, ऑल दोस पीपल हु आर लुकिंग लाइक मी, जो मेरी तरह दिख रहे हैं या मेरी ट्राइब से बिलोंग करते हैं,
they all, चाहे मेरे brothers, sisters or my community people, everybody has to suffer. सबकी situation ऐसी ही है. जब उन्होंने African National Congress Party join की, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. वहां से I brought this, कह सकते हो, you can say that कि this feeling of freedom. No, I cannot be like normal people being suppressed by white people where I am forced for living a life like they want to live for us. जैसा वो चाहते हैं हम वैसी लाइफ जिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा. I will have to fight for the freedom, fight for my people, fight for my community. Then he joined African National Congress. It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. ये जो मेरे लोगों के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो फाइट करने की फीलिंग आई मेरे अंदर, इसने एक नॉर्मल यंग पर्सन को फ्रीडम फाइटर में कन्वर्ट कर दिया. अ बोल्ड पर्सन दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम और टू बिकम अ क्रिमिनल. जस्ट लाइक गांधी जी, ही नेवर सेड दैट कि ब्रेक द लॉ. जो भी करना है, ऑलवेज अबाइड बाय द लॉ. कुछ भी काम नेवर डू which is not allowed in law. जो law के खिलाफ हो वो काम कभी भी मत करो. If you have to show your disappointment or disagreeness towards government policy, for that you have to follow the law of, or the path of, not the criminal way, जिसको हम बोलते हैं non-violence का path हमको follow करना है, अहिंसा का. So abiding by the law, ऐसी life मैंने जीनी शुरू की. But I initially, because I started my fight against those whites, so I became criminal. But the criminal who was fighting according to the law, that turned a family loving husband into a man without a home. I was initially, मेरे पास घर था, I was having my whole family, जी रहा था मैं. But now the moment I became a criminal, उनकी नजर में जैसे ही criminal बना, I became homeless, घर ही हट गया, नहीं रहा मेरे पास. That forced a life loving man to live a like a monk. एक ऐसा बंदा जो अपनी लाइफ से इतना प्यार करता था, उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे में कि that he was moving here and there, जहां भटकना पड़ रहा है उसको लाइफ के लिए. I am no more virtuous for self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं भी लोगों की तरह कर सकता था, मुझे क्या जरूरत थी हीरो बन के लड़ने की, बट मुझे ये चीज पूरी तरह से पता था कि I cannot live in restriction, कि जितना दिया गया है इतने से खुश रहो, इतना ही मिलेगा. No, all these things are given to me, not only me, to my people by the nature. Why we are being forced to be restricted? तो मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगा या नहीं जीना चाहता जहां पे मेरी कम्युनिटी के लोगों को सप्रेस किया जाए. दे आर फोर्स्ड टू लिव अ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ. सो अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री. फ्रीडम इज इंडिविजुअल. द चेन्स एंड एनी द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. ये सबके लिए था, नॉट फॉर ओनली मी. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑन टू मी. मींस आई वाज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ देम. And their chain, their connection was to me. So it was not only about me, it was about my whole community. Coming to the last paragraph of this page, I knew that the oppressors must be liberated just as surely as they oppressed. मतलब जिस तरीके से उन्होंने हमको obsess किया है, pressurize किया है, उसी तरीके से वो उनको छूट भी देनी पड़ेगी. ये चीज मुझे पता था. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. अगर तुम किसी की आजादी छीन लोगे, तो लोग तुमसे definitely नफरत करेंगे. So next line, he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. ये दिखाता है कि how narrow-minded people they are. I am not truly free if I am taking away someone's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me.
So the oppressed and the oppressor alike are robbed for their humanity. Unke saath bhi yahi hoga. People are not going to like them. So guys, this much of part we will try to cover in we have covered in this video. Next part we will try to cover in next video. So tab tak ke liye aas paas saaf safai rakhiye, doston mein mitrata banaye rakhiye, aur kuch kar sakte hain to gharon mein bane rahiye. So milte hain next video ke, tab tak ke liye bye bye, take care.